पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के उन नेताओं की क्लास ली है जो नौकरियों पर झूठी बातें कर रहे हैं, झूठे बयान दे रहे हैं, लोगों को बरकला रहे हैं, बहका रहे हैं और वोट लेने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। हुड्डा ने उन सभी नेताओं को कहा है कि कोई भी वोट लेने के लिए इस तरह के भ्रामक प्रचार न करें और यदि भविष्य में किसी नेता ने इस तरह की बातें की, नौकरियों को लेकर कोई गलत बयान दिया, तो वो उसके इलाके में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनने पर उन नेताओं को सरकार में अहमियत भी नहीं दी जाएगी जो कि झूठे वादे करके लोगों से वोट लेंगे। हम आपको बता दें कि फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नीरज शर्मा, निवर्तमान विधायक भी हैं। उन्होंने अपने इलाके में कुछ लोगों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि आप 50 वोट दें, 50 वोट पर एक नौकरी उनके कोटे में आएगी और अपने समर्थकों को नौकरी देंगे। बीजेपी ने इस बात को बड़ा उछाला कि कांग्रेस वाले अभी से नौकरियां बेचने में जुट गए हैं। इसके बाद गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सीनियर नेता हैं, अच्छे जानकार भी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कुलदीप शर्मा, उन्होंने भी कहा कि उनके गन्नौर के इलाके में 20 से 25% नौकरियां ज्यादा आएंगी और अपने समर्थकों को नौकरियां देंगे। उनके बेटे चाणक्य पंडित ने इससे आगे बढ़कर ये कह दिया कि आप पर्चा ले आना, नौकरी की जिम्मेदारी आगे काम की जिम्मेदारी हमारी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सारी बातें जब बीजेपी ने इन बातों को उछाला तो हुड्डा को खुलकर मैदान में आगे आना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि ऐसी जो पार्टी लाइन से अलग हटकर जो बातें करेगा वो बर्दाश्त नहीं होंगी और बर्दाश्त से बाहर होंगी और ऐसे नेताओं पर एक्शन भी लिया जाएगा और वो उनके चुनाव प्रचार में भी नहीं आएंगे और सरकार बनने पर भी उनको सरकार में कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। तो हुड्डा ने खुलकर इन सभी नेताओं को फटकार लगाई है। असन से शमशेर गोगी ने भी कहा था कि वो अपने इलाके असंध इलाके का भला करेंगे, पहले असंध वालों का पेट भरेंगे उसके बाद आगे काम करेंगे। तो इस तरह की बातें जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, बीजेपी वाले इनको उछाल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल है इन बातों के चलते कहीं वो माहौल बिगड़ न जाए, इसके चलते हुड्डा मैदान में आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि ऐसे नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने सीईटी जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आई थी उसके चलते युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और युवा कह रहे हैं कि खट्टर सरकार की दूसरी पारी के 4.5 साल में एक सिंगल नौकरी भी खट्टर सरकार ने नहीं दी और वो नौकरियों की बातें कर रही हैं। पूरे हरियाणा का 4.5 साल युवा घूमते रहे, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारियां करते रहे, अपना भविष्य बर्बाद करते रहे और हरियाणा के बहुत सारे बच्चे अब हरियाणा की बजाय जो सेंटर की नौकरियां उनकी तैयारियां करने लगे हैं। लेकिन सेंटर की नौकरियां भी जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं और वहां भी आगे से आगे तिथियां बढ़ा दी जाती हैं, उसके चलते बेरोजगार युवा बहुत परेशान है और ये 3.5 साल की जब 4.5 साल तक खट्टर सरकार ने नौकरियां नहीं दी तो पूरे हरियाणा में बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगारों की बरातें निकालेगी, धरने प्रदर्शन जुलूस हुए और जब लोकसभा चुनाव आया उस समय खट्टर सरकार ने कुछ नौकरियां दी, कुछ नौकरियों का रिजल्ट निकाला, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका कोई फायदा बीजेपी को नहीं हो पाया और युवाओं में गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिए, उनकी जिंदगी को जो महत्वपूर्ण स्वर्णिम साल थे वो बीजेपी उनको खा गई। 4.5 साल तक सीटी को लटकाती रही, कभी पेपर लेंगे, बाद में लेंगे, रद्द कर दिया, आगे कर दिया, कोई पेपर लीक हो गया फिर उसकी कोर्ट में चला गया और इसी तरह सारी भर्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक उलझाए रखा। युवाओं का जो गुस्सा है वो गुस्सा अब बीजेपी के खिलाफ है, इस चुनाव में ना बोले और वो कांग्रेस की तरफ सारा शिफ्ट हो जाए, इसको रोकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं उनको उछालने में लग गई है ताकि वो जो युवा है और वो नौकरी की आस में वापस हमारी तरफ आए, बिना पर्ची बिना खर्ची जो बात कर रहे हैं, जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि परसेप्शन क्रिएट किया है, असलियत क्या है वो जनता जानती है, वो जनता बताएगी, कमेंट्स करके बताएं। तो इस तरह युवाओं का जो गुस्सा है और वो गुस्सा सारा का सारा अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में वोट ना कर दे, इसलिए बीजेपी इस मामले में पूरा हमलावर हो गई है। जैसे आपके नीरज शर्मा ने और कुलदीप शर्मा ने जो बयान दिए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान न हो जाए, इसके चलते हुड्डा को खुलकर सामने आना पड़ा और बेरोजगार युवाओं को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरी पारदर्शिता से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी। अब क्या कांग्रेस के इन नेताओं पर कितने लगाम लग पाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में प्रचार किया
कि बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्होंने नौकरियां दी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। लोगों ने कहा कि 1-1 करोड़ में तहसीलदार की नौकरियां लगी हैं, लोग सार्वजनिक रूप से इस बातों को कह रहे हैं। ललित नागर HPSC के जो दफ्तर में सेक्रेटरी थे, उनके करोड़ों रुपए उनके वहां से दफ्तर से मिलते हैं। तो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बीजेपी का जो दावा है, उस पर कांग्रेस और दूसरे आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। क्या वास्तव में बीजेपी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं? तो फिर ललित नागर और दूसरे इतने जो ये पेपर जो लीक हुए हैं, आखिर वो कहाँ से लीक हुए? क्या ये करप्शन नहीं था? आम लोगों के जहन में ये सवाल है कि बीजेपी ने एक परसेप्शन क्रिएट किया बिना पर्ची बिना खर्ची का, लेकिन जिस तरह से HPSC के दफ्तर में ही जिस तरह से नौकरियों के लिए जो पैसा था, करोड़ों रुपए वहां पैसा गबन हुआ, जिस तरह के सभी नौकरियों का पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं ये एक झूठा परसेप्शन था, इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। असलियत क्या है ये आम आदमी जानता है, उसको नौकरियां किस तरह से मिली हैं। और बीजेपी इस बात को उछाल रही है कि कांग्रेस वाले अभी से नौकरियां बांटने में जुट गए हैं। तो हुड्डा ने खुलकर फ्रंट फुट पर आकर ये कह दिया है कि नौकरियां मेरिट पे आधार पर मिलेंगी, पारदर्शी आधार पर मिलेंगी। और हुड्डा ने कहा है कि यहाँ मंडी लगी है नौकरियों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हुड्डा इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, दोनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और चुनाव में हर चीजें जायज होती हैं, सभी नेता वोटों को लुभाने के लिए अपनी पार्टी के पक्ष में परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा की सियासत गर्म है और चुनाव प्रचार को मात्र अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर आगे चल रही है, कुमारी शैलजा और दूसरी चीजें आगे वो बढ़ा रही है। अब कुमारी शैलजा प्यारी लगने लगी है, यदि यही कुमारी शैलजा जब प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी तब बीजेपी उन पर हमलावर होती थी, और जब कुमारी शैलजा कोई बयान बीजेपी खिलाफ देती थी तब पूरी बीजेपी उनके खिलाफ हमलावर हो जाती थी। लेकिन आज वही बीजेपी कुमारी शैलजा के प्रति हमदर्दी दिखा रही है। कारण सिर्फ जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी राजनीति है। दलित वोट को, SC वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस का जो वोट है, जो दलित वोट बैंक है, जो लोकसभा में उसके साथ जुड़ा था और बहुत मजबूती के साथ जुड़ा था, इतनी मजबूती कि 5-0 से 5 पर कांग्रेस पहुंच गई थी और बीजेपी 10 से घटकर 5 पर पहुंच गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी वो SC वोटर वो कहीं फिर कांग्रेस के पक्ष में मजबूती से मतदान न कर दे, तो इसलिए अब बीजेपी इस मुद्दों को, कुमारी शैलजा दूसरे मुद्दों को उछालने में जुटी हुई है। पूरे परिदृश्य को लेकर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से छींटाकशी हो रही है और जो बयानबाजियां चल रही हैं, आपका क्या मानना है आपसी सौहार्द बिगाड़ने में और पार्टी लाइन से अलग हटकर बातें करने में इन पार्टियों का क्या नुकसान होगा? हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन बहुमत में आने जा रहा है, आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त रामपाल, धन्यवाद।